ये खारे पानी का ओशन है, वो हमारा जो ये जो नॉर्मल समंदर है ये भी खारा पानी है, मगर वो बहुत ज्यादा केओस वाटर्स उनको कहा जाता है। ये दोनों आपस में मिलते नहीं, अगर ये दोनों मिल जाएं तो दुनिया खत्म हो जाएगी। ये बेसिकली एंशिएंट कॉस्मोलॉजी का जो है ना वो है कॉन्सेप्ट है। तो ये मछलियों की बातें सुन रहा था जी, वाकई एक्वामैन किसी ने सही कहा है, मगर ये एक्वामैन नहीं है, ये मेरे मुंह से निकलेगा कुछ थोड़े दिन। पानी का जो कहते हैं कि जी वो पानी नहीं मिलता, ये आप जिधर भी जाओ, जहां पे भी रिवर जहां पे मिल रहा होता है, ओशन में गिर रहा होता है, वहां पे क्योंकि सेलिनेशन डिफरेंट, तो लगता है कि जैसे नहीं मिल रहा, लेकिन पानी नीचे वो तो मिल रहा होता है। नीचे मिल ही रहा होता है। अगर ऐसा ना हो रहा हो तो ये दुनिया जो पागल हुई हुई है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से सतह समुद्र ऊंची हो रही है, कुरान की झूठी आयत झूठी साबित हो जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कुरान पाक में अल्लाह जल्ला शानुहु ने बहुत सारी आयात 1400 साल पहले ऐसी नाजिल फरमाई जो लोगों को बहुत बाद में पता चली, लेकिन कुछ अल्लाह ताला ने आयात ऐसी भी नाजिल फरमाई, जिक्र फरमाई कुरान पाक के अंदर, जो लोगों ने अच्छी खासी पहले से देखी हुई थी। अब ये मुल्हिदीन जिस तरह कहते हैं ना, ये तो ये सामने देखी हुई चीज़ है, बस इसको देखकर कोई भी बता सकता है कि है पुराने ज़माने में किसी ने देखा होगा कि दो रंग का पानी समंदर में इस तरह नीला और काला, मुख्तलिफ कलर, नमक के लिहाज से जो उनकी मुलुहत के एतबार से मुख्तलिफ है या कलर के एतबार से दो रंग का पानी है, तो देख के जो कुरान पाक की आयत बना दी माज़ अल्लाह। ये जो दो रंग का पानी है ये इस तरह है जैसे सूरह रहमान के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये जो अनार है, खजूरें हैं, ये मेवे हैं, हमने बनाए, ये तो पुराने ज़माने से इंसान खाते चले आ रहे हैं, तो ये कहेंगे कि ये मोजज़ा है कि नहीं है। मोजज़ा कुरान पाक की हर आयत है, लेकिन इस एतवार से ये मोजज़ा नहीं है। ये आयात के पता नहीं था इंसानों को, मतलब सेब, केले, जो अमरूद है, फल हैं, खजूरें हैं, अंगूर हैं, अनार हैं, इन मेवाजात का पता, इन फलों का पता नहीं था लोगों को, पता था, लेकिन अल्लाह ताला ने अपना एहसान याद करवाया कि ए मेरे बंदो, ये हमारा एहसान है कि हमने तुम्हारे लिए कितने खूबसूरत और कितने अच्छे लजीज जायकों वाले जो है वो फल बनाए हैं। ये अल्लाह ताला अपना एहसान याद करवा रहे हैं। तो सुर रहमान के अंदर अक्सर अल्लाह ताला ने एहसानात अपने याद करवाए। अब दूसरी जहालत ये देखें इन मुल्हिदीन की, वो ये कहते हैं कि देखें जी वो पानी, कहते हैं कुरान पाक कह रहा मिलता नहीं, वो मिलता तो है, वरना अगर ना मिलता होता तो ये नमकीन पानी है और ये मीठा पानी है, तो दोनों के ब्लॉक ऊंचे ऊंचे बन जाते, क्योंकि वो मिल नहीं रहा है इसलिए वो उनकी सतह जो है ना ऊपर होने लगती। हालांकि जब पानी बीच में आता है, नमकीन पानी भी आता है, मीठा पानी भी आता है, तो दोनों की सतह, पानी के अंदर अल्लाह ताला ने खासियत ये रखी है कि वो अपनी सतह को बरकरार रखता है, इसलिए कहते हैं सतह समंदर से इतनी ऊंचाई है। जब भी किसी ऊंचाई को मापा जाता है तो दुनिया के अंदर ये उसूल है कि वो ये कहते हैं कि सतह समंदर से इतनी बुलंदी पर, इतनी हाइट पर है, तो पानी जो है वो अपनी सतह बरकरार रखता है। ये नहीं है कि वो बिल्डिंगों की तरह अलग अलग पहाड़ बन जाएंगे, पानी के पानी इस तरह खड़ा हो जाएगा हवा के अंदर। अब ये भी इनकी जहालत है। कुरान पाक में जहां अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मरज अल बहराइन, अल्लाह ताला ने मर्ज का लफ्ज जो है वो इंग्लिश के अंदर भी इस्तेमाल होता है, तो दो चीजों को जोड़ने के माने में, तो अल्लाह ताला ने मरज अल बहराइन, अल्लाह ताला ने दो दरियाओं को जोड़ा है, यल तकियान, ये कह रहे हैं कि क्यों नहीं मिलते, नीचे पानी मिल रहा होता है, हालांकि अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, ये तर्जमा भी पढ़ रहे हैं लेकिन इनको समझ नहीं आ रही, ये खुद अपनी जहालत की वजह से नहीं समझ पा रहे। तर्जमा क्या क्या पढ़ रहे हैं कि जी वो मिलते नहीं, अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि वो मिलते हैं, पानी मिल ही रहा होता है। आगे फरमाया कि बैनहुमा बरज़खुन ला यबगियान, इनके दरमियान एक बरज़ख है। बरज़ख आलम बरज़ख भी कहते हैं जो ऐसी आड़ होती है, ऐसी दीवार होती है जो नजर ना आए, मतलब बीच में जाहरी तौर पे कुछ नहीं होता है लेकिन वो एक आड़ की तरह होती है, दीवार हम जिसको कहते हैं ना दीवार, अगर हम किसी चीज को अगर इस तरह पुश करते हैं, जोर लगाते हैं, तो अगर कोई सॉलिड चीज है सामने हमारे सामने, तो वो उसकी मजबूती के एतबार से जितना हम जोर लगाते हैं तो वो ताकत जो है वो उसको रोकती, वो दीवार रोकती है। तो अल्लाह ताला ने ये जो कुरान पाक की आयत नाजिल फरमाई, ये मौजज़ा इस एतबार से है कि अल्लाह ताला ने 1400 साल पहले ये बतलाया है कि ये एक दीवार की तरह है, जिस तरह दीवार जो है वो रोकती है, इस तरह जो पानी की जो है डेंसिटी है, जितना नमकीन पानी होगा उतना ज्यादा वो बोझ वाला होगा, तो वो एक दीवार की तरह है कि दो रंग का पानी, दोनों जोर लगाते हैं लेकिन वो दीवारों की तरह वो अपनी जगह नहीं छोड़ते हैं। और ला यबगियान, ये बगावत से है,
अब ये कहते हैं पानी मिलते हैं, अगर दोनों पानी नीचे से मिल रहे हैं, ऊपर से भी मिल रहे हो, जहां से भी मिल रहे हो, अगर ये वाकईतन हकीकत में पानी मिल ही रहे हैं, मिल जाते हैं, तो फिर दो रंग अलहदा अलहदा नजर क्यों आते हैं? ये इनकी जहालत है कि अपने सामने ये अल्लाह ताला की निशानियां देख रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं। इसी तरह एक अंग्रेज जो प्रोफेसर, उसके सामने मुसलमान जो तालिबा थी, स्टूडेंट थी, वो बाहर के मुल्क में किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कोई डिस्कशन वगैरह चल रही थी, तो बकायदा वो स्टेज पे खड़ा हुआ प्रोफेसर जो है वो, उसके सामने जब तालिबा ने कहा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने दो तरह के पानी बनाए हैं, दो तरह का जो पानी, मीठा और ये नमकीन, आप खुद देख सकते हैं कि लोगों ने इस पे तजर्बे भी किए हैं, तो दोनों तरह का पानी है वो मिलते नहीं है, ये अल्लाह ताला की कुदरत है, अल्लाह ताला ने इसको 1400 साल पहले जिक्र भी फरमाया इस एहसान को। तो कहने लगा ये कौन सी नॉनसेंस बात है जी, अजीब सी स्टूपिड साइंस है, अस्तगफिरुल्लाह माज़ल्लाह, कहता है नकल कुफर कुफर ना बाशत, कि कुरान पाक की जो साइंस है स्टूपिड साइंस है। कहता है जी ग्लास में डालो नमकीन पानी, मीठा पानी, चम्मच हिलाओ तो देखो मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं। हालांकि इस तरह नहीं है, अपनी आंखों से आप इस तरह की वीडियो देख सकते हैं जिसमें दो रंग के दरियाओं में भी, नहरों में भी और समंदर के अंदर भी दो तरह के पानी मिलते हैं, ऐसे साथ 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 चलते हैं, लेकिन वो आपस में एक दूसरे पर बागी नहीं होते, एक दूसरे में मिक्स नहीं हो जाते। अल्लाह जल्ला शानहु ने कुरान पाक में बहुत सारी जगहों पे इरशाद फरमाया कि वहू अल्लज़ी मरजल बहरैन, वो जात वो है जिसने दो दरियाओं को जोड़ा है। तो आगे फरमाया हाजा अज़बुन फुरात, ये मीठा पानी है, वहाजा मिल्हुन उजाज, और ये नमकीन पानी है। और अल्लाह ताला ने फरमाया वजअल बैनहुमा बरज़खं वहिजरन महजूरा। हिजर कहते हैं माँ की गोद को, जिस तरह अगर माँ की गोद इस तरह होती है, अगर कोई बोझ बीच में आए तो उसको संभाल लेती है, तो ये जो पानी होता है दो तरह का पानी, वो इस तरह है कि अपने बोझ समेत, जिस तरह अपनी अलहदा जगह, अपनी एक अलहदा गोद बना के, एक इधर और एक इधर, तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इन दोनों के दरमियान आड़ बनाई है। नहरों का पानी भी इस तरह साथ साथ चलता है, वो मिलते नहीं है, इसी तरह जो दो दरिया है वो भी इसी तरह साथ चलते हैं। तो अल्लाह जल्ला शानहू ने फरमाया कि इन दोनों में से ताकुलूना मिन्हु लहमन तरिया व तस्तखरिजूना हिलियतन तलबसूनहा, तुम इन दोनों दरियाओं में से ताजा गोश्त खाते हो, दोनों तरह की मछलियां इस्तेमाल करते हो, और उसमें से मोती और जवाहिर वगैरह भी निकालते हो। एक अल्लाह ताला ने एहसान जो इस तरह भी याद दिलवाया है इंसानों को कि अगर अल्लाह ताला ने इनके दरमियान, इन दोनों पानियों के दरमियान आड़ ना बनाई होती, तो दुनिया में कहीं भी मीठा पानी पीने को ना मिलता। ये अल्लाह का बड़ा एहसान है कि अल्लाह जल्ला शानहू ने जमीन में जहां मीठे पानी के चश्मे हैं, नीचे नहरें अल्लाह ताला ने बहाई हुई हैं जमीन के नीचे, जहां नमकीन पानी भी है, कड़वा पानी भी है, हाजा अज़बुन फुरात सायकुन शराबु और हाजा वहाजा मिल्हुन उजाज, और नमकीन पानी भी है, अगर दोनों ये मिक्स हो जाते हैं, अब कुर्बान जी उस रब के कि ये डॉक्टर आजाद कहते हैं कि इधर की जो मखलूक है वो इधर वाली जो, इधर वाला जो समंदर उधर नहीं जाती, मसलन बाज मछलियां हैं कि वो ज्यादा नमकीन पानी के अंदर रहती हैं और वो मीठे पानी में नहीं जाती, और जो मीठे पानी की मछली वो इधर नहीं जाती हैं, तो ये उसका भी मजाक उड़ाते हैं कि क्यों नहीं जाती मछलियां, जो पानी एक वो जिंदा ही नहीं रह सकती हैं वो मखलूकात, कि देखें हर एक जो मखलूक है अल्लाह ताला ने उसको, उसकी जो तबीयत है, उसकी जो जबिलियत बनाई, उसकी फितरत बनाई है, जिस तरह का उसका जिस्म, उसकी साख्त है, तो वो अगर दर्जा हरारत टेम्परेचर ज्यादा हो जाए तब भी वो जिंदा नहीं रह सकती मखलूकात, और अगर टेम्परेचर कम हो जाए, ज्यादा हो जाए या कम हो जाए, ठंडा ज्यादा पानी, वहां भी मछलियां मर जाएंगी, बाज नाजुक होती हैं। तो अल्लाह ताला ने इधर की मखलूक और इधर की मखलूक वो भी अलहदा की है, जिस तरह दो दरियाओं को अलहदा किया है, तो ये अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह ताला ने मीठे पानी को अलहदा रखा है और अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत दिखलाई है। ये जब भी किसी ने देखा हो या डिस्कवर किया हो, चाहे पुराने जमाने के अंदर या 1962 का हमें पता चला कि जब लोगों ने तस्वीरें इनकी खींची, बकायदा वीडियोज वगैरह बनाई है, लेकिन कुरान पाक में 1400 साल पहले अल्लाह ताला ने अपने इस एहसान को याद करवाया है कि ऐ मेरे बंदो, हमारा ये एहसान है कि हम दो तरह का पानी, ये पानी पूरी जमीन में फैला हुआ है लेकिन मिक्स नहीं होने देते, तो हमें चाहिए अल्लाह ताला की हर नेमत का शुक्र अदा करें, अपने खालिक और मालिक राजिक को पहचाने और इसका इंकार न करें जिस तरह मुल्हिदीन करते हैं। वाखुदा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।